नमस्कार, आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज में आप सबका स्वागत है। लखनऊ खाटू श्याम मंदिर बीकेडी में विशाल गायत्री महायोग का आयोजन किया गया। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 27 फरवरी से 1 मार्च तक लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर निकट चंद्रिका देवी मंदिर बीकेडी में आयोजित विशाल गायत्री महायोग का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं आभा शुक्ला का एक रिपोर्ट। जिस भी स्तर पर हो सके, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, वृहद स्वरूप में,
प्रसाद देना भाई। इस बार भी आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। और शुक्ला जी आपको हवाई तरफ से मेजर साहब को भी धन्यवाद कीजिएगा, उनका भी आग्रह था कि यहाँ हम अवश्य आए, तो मैं आप सब भाई बहनों पढ़ा करते हुए बाड़ी बाड़ी में बैठा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री महायज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया गया है जी, तो इसका क्या प्रायोजन है अध्यात्म को लेके, और आज जो विश्व में तमाम तरह की समस्याएं चल रही हैं उसमें कितना ये यज्ञ जो है या गायत्री परिवार चूंकि समाज सेवा पहले समाजसेवी संगठन है, समाज सेवा करता रहा है, तो कितना सार्थक है और क्या संदेश है इस यज्ञ का? देखिए यज्ञ जो है हमारे देश की बहुत प्राचीन परम्परा है, सभी तरह के दुखों का निवारण के लिए यज्ञ बना। कभी बरसात नहीं होती थी तो यज्ञ होते थे, बरसात हो जाती थी, आपने सुना होगा अपने सनातन धर्म में, तरह तरह के रोगों से मुक्ति के लिए यज्ञ होता था। अब वो विलुप्त हो गया है, थोड़ा लोग उसको भूल गए हैं मॉडर्न कल्चर में, इसीलिए तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज देखिए चाइना में कितना भयंकर वायरस फैला है, उसका कोई इलाज नहीं। आज वो यत्न खोज रहे हैं तो उनको यज्ञ ही, उनकी सोच में यज्ञ ही आ रहा है, किसी ने सुझाव दिया वहाँ भी यज्ञ की तैयारियाँ हो रही। तो हम चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण हो, जो हम लोग भूल चुके हैं अपने खुदा अपने उसमें आए, अपने कल्चर में आए, अपनी सभ्यता में आए, और घर घर यज्ञ हो जिससे कम से कम हमारा भारत देश निरोगी रहे और विश्व में हम एक नया संदेश दे सके, हमारे साथ जुड़ के संपूर्ण विश्व निरोगी हो। कितने वर्षों से यहाँ पे ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है? और ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो सन 1916 में हुई, तब से यहाँ यज्ञ तो कई हो चुके हैं, अक्सर हुआ करते हैं। ये गायत्री महायज्ञ पहला है और हम चाहेंगे कि हमेशा होता रहे। हाँ, गायत्री परिवार से आप जुड़े हुए हैं जी। तो ये जो यज्ञ यहाँ पे आयोजित किया, इस तरह से आगे क्या, चूँकि आज के समय में मानवता कहीं एक ह्यूमनिटी जो है वो ख़त्म हो रही है और गायत्री परिवार इसमें काफ़ी सार्थक सिद्ध हो रहा है काम करने में, मानवता को बढ़ाने में, समाज के कल्याण में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप और क्या आयोजन को किस स्तर तक ले जाने का क्या है? देखिए ऐसा है कि जैसा कि अभी आपसे जैसा ने बताया, यज्ञ का मतलब होता है परोपकार। जब हम दूसरे के हित की बात सोचते हैं तो हमारा हित अपने आप होता हुआ चलता है, और इस बात को यहाँ प्रयोग के माध्यम से 24 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला चलाई जा रही है और ये श्रृंखला 108 गांव में चलाई जानी है। ये चौथा यज्ञ है जो यहाँ हो रहा है, इसके बाद अभी हरदौरपुर में 19, 20, 21, 22 चार दिन की तिथियों में हुआ है, और इसके बाद में इसको हमें 108 गांव में बल्कि लखनऊ के 8 ब्लॉक्स में हमें इसको करना है। तो यज्ञ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, जन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध पारसी जैन भाई मानव मात्र के कल्याण के लिए हर किसी को एक साथ एक करके चलने का ये विधा है कि विधा है। इसमें किसी जाति धर्म भाषा प्रांत की बात नहीं होती है, किसी संप्रदाय की बात नहीं होती है, मानव मात्र के प्राणी मात्र के कल्याण की बात। यज्ञ जो है कितने दिन का? 4 दिन की श्रृंखला हमारी होती है, तो आज दूसरा दिन है इसका, कल कलश यात्रा थी, आज दूसरा दिन है, कल हम दीपक के माध्यम से संदेश देंगे, शाम को भी संदेश प्रसारित होगा और परसों पूर्णाहुति होगी। इसके साथ में हम तमाम तरह के हमारे संस्कार जो हमारे ऋषियों ने बताए थे, जो हमारे जीवन को जीने की शैली बताते हैं, विधा बताते हैं, हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे से जो है वो दुश्मनी और द्वेष विद्वेष छल कपट ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, क्योंकि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को भूलते हुए चले जा रहे हैं और उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए, यही हमारी संस्कृति बताती है, उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए।